अभी बच्ची के यहाँ पर जो अभी प्रारंभिक जांच में ये देखा है कि अभी वहाँ पर जो धूल वगैरह है वहाँ पर जो निशान बने हैं वो बाकायदा वो उतरी है और उसके कूदने के पहले जो पोजीशन बनती है उसके जो है पैरों के निशान दिख रहे हैं। अभी FSL अधिकारी महोदय भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर, वो अपनी जाँच भी करेंगे। कहाँ से कूदी, कितने फ्लोर से कूदी है? ये गुरुद्वारे की छत से कूदी है और जहाँ पर हम खड़े हैं उसी के कॉर्नर से जो बाउंड्री पे जाके उसने जो है वहाँ से कूदी है, प्रयास किया है। तो कौन है ये, क्या भी पता चला है? ये स्टूडेंट 12th क्लास की स्टूडेंट है और ये अपने नाना नानी के पास रहती थी और अभी चोईद्राम हॉस्पिटल में जो है हमारी सब इंस्पेक्टर वहाँ पर जांच करने गई हैं, वो जानकारी वहाँ से जुटा रही हैं। अभी वो होश में नहीं है, बात करने की स्थिति में नहीं है, तो उससे जब बयान उनके होंगे तो और जानकारी सामने आएगी। क्या अभी वैसी आया, कुछ किताब वगैरह बुक भी मिली, उसका स्कूल बैग मिला है? नहीं, स्कूल बैग मिला है, स्कूल बैग में अभी नॉर्मल चीज़ें कुछ उसने अपना कुछ एक दो पन्ने में कुछ उसको नोट नहीं बोलेंगे लेकिन वो कुछ मिला है चैट टाइप का, वो बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है जैसे चैट करते हैं उस टाइप से उसकी उन्होंने पेन से लिख रखा है, उसको हम और क्लियर करते हैं कि क्या चीज़ है वास्तव में, इसका क्या संबंध है उससे। बच्ची कैसे पहुँची? बच्ची यहाँ से पहुँची, बच्ची जो है दर्शन करने के हिसाब से ये झंडा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने संगत करने के लिए, बताया अभी जो जानकारी मिली है मुझे, तो वो यहाँ पर आते रहते हैं। वो कहाँ की रहने वाली है? ये 12th क्लास की स्टूडेंट है, ये संगम नगर का शुभम नगर। कुछ नाम सामने है, कुछ कारण सामने है? नहीं, कारण का भी पता लगा रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।